हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। माय नेम इज रेनू वशिष्ठ और आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट टू, यानी कि ये आपकी सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले एक और क्लास हो चुकी है जिसके अंदर मैंने 51 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन तक करा दिए थे। अब आज ही हम स्टार्ट करेंगे 61 क्वेश्चन नंबर से और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारी क्लास में कम्प्लीट हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो एक बार के लिए क्या करिए, क्लास को पॉज करिए और देखिए कि क्या आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं अपने आप से। अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, फिर उस केस में जो है आप क्वेश्चन को खुद से जब आप प्रैक्टिस करके देखोगे ना, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी, और अगर आपको नहीं आएगा तब आप सोल्यूशन देखना। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहते हैं कि लेट एम इज इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री सच दैट ए वन बिलोंग्स टू 1 2 3, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू 6, देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एम। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये एक सेट है जिसके अंदर ये कंडीशन सेट है कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू 6, और ये जो वैल्यूज हैं ये 1 2 3 और 4 से ली जा सकती हैं, इसके अलावा हम और कहीं से नहीं ले सकते। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपने क्या क्या वैल्यूज लेनी है देखिए जरा। ये देखिए ए वन ए टू ए थ्री, इसका मतलब है आपको 3 टपल्स लेने हैं, और 3 टपल्स लेने हैं देखो ए वन ए टू ए थ्री, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये वैल्यू ले सकते हैं या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, और तो और इनका जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 6 के इक्वल आना चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर। अब आपको देखते ही पता चल रहा है मैम हम तो 1 2 3 का पेयर ले लें। हाँ जी बिल्कुल ले लो। तो क्या आप इस 1 2 3 को क्या आप 2 1 3 भी लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसी को 3 2 1 भी लिख सकती हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकती हूँ। और क्या मैं इसी पॉइंट को, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो 1 2 3 यानी कि 3 नंबर है और आपको पता है 3 पोजीशन है, तो इसकी जो अरेंजमेंट्स होंगी वो कितने नंबर में होंगी, 3 फैक्टोरियल में, तो 6 पॉसिबिलिटी तो यहाँ से आ गई, एक तो पॉइंट मुझे मिल गया। अब और बताओ, और मैम हम ना 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, एक पेयर हम ले सकते हैं 2 2 2, बिल्कुल जी ले सकते हैं, ये हो गई हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड वाला पेयर बताओ, अरे मैम हम ना 4 प्लस 1 प्लस 1 ले सकते हैं, ले तो सकती हैं, लेकिन मैं अगर बोलूं कि 1 प्लस 4 प्लस 1 भी तो ले सकते हो और 1 प्लस 1 प्लस 4 भी तो ले सकते हो, तो यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी निकल के आई, 3, तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ से आई, 1 पॉसिबिलिटी यहाँ से आई, 6 यहाँ से आई, तो टोटल कितनी हो गई, 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 10 हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से आप सोचो कि हम कैसे कौन से पेयर अप ले सच दैट हमारी कंडीशंस को होल्ड कर जाए, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि कहते हैं 62 क्वेश्चन, जिसके अंदर आप कहते हैं, आपका ये पॉइंट कहता है कि लेट एफ एक्स बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स है, देन एफ ओ पे इज इक्वल टू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको क्या दे रखी है ये देखो, आपको ये एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको इस मैट्रिक्स की एक मिनिमल पॉलिनोमियल दे दी एफ ओ पे। अब ये एफ ओ पे ही बताना ये किसके इक्वल होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिनिमल पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, अब वो क्या होती है, वो ये होती है कि मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कि जो जो पॉलिनोमियल हम बनाते हैं कहाँ से बनाते हैं, मैट्रिक्स से बनाते हैं ना, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो लैम्डा के अंदर एक पॉलिनोमियल आती है, उसी पॉलिनोमियल को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, एंड उसी पॉलिनोमियल को हम किसका नाम दे देते हैं, उसी पॉलिनोमियल को हम जो है मिनिमल पॉलिनोमियल का बोल देते हैं, कब, जब वो उसकी इसकी मिनिमम डिग्री हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल टेले थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी मैट्रिक्स मस्ट सेटिस्फाई इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल एज वेल एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि ए स्क्वेयर माइनस 2 ए प्लस में 3 i, तो ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो ये ऑलवेज 0 के इक्वल होगी ना। अच्छा पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लो आज, अगर नहीं किसी को पता, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, बट इफ आई एम राइटिंग एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन इट बिकम्स एन इक्वेशन। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो
अब ये कहते हैं कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगी, तो डेफिनेट सी बात है अगर ये इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है तो ये ए इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है ये क्या वैल्यू देगा, जीरो देगा ना, तो इसका मतलब है देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, तो बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, आई होप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो देन प्लीज लेट मी नो। अभी 63 नंबर क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, खुद से वीडियो को पॉज करो, ठीक है जी। और जब आप खुद से क्वेश्चन लगाते हो आपको ये पता चलता है कि आपको आता है कि नहीं आता, तो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। अभी एक आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, जो कि रोटेट कर देती है ईच वेक्टर इन आर टू क्लॉक वाइज थ्रू 90 डिग्री, देन द मैट्रिक्स टी रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस 1 0 एंड 0 1। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आप क्वेश्चन को समझो, क्या आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, मतलब कि सबसे पहला पोर्शन होता है आपका अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। फिर सेकेंड पॉइंट आपका होता है कि देखो उसके अंदर किस तरीके का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, क्या वो आपको आता है या नहीं आता। अगर आपको लगता है कि वो आता है तो आप उस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करो, अगर आपको नहीं लगता कि आपको नहीं आता देन प्लीज लीव इट, ओके। अब ये क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो देखते हैं, एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो मैट्रिक्स हमें बतानी है कि क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस 1 0 एंड 0 1। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 0 0 1 की, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0, एक दे रखी है 0 1, ठीक है, 1 0 0 1 बेसिस दे दी। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि जो टी है ना, जो 1 0 के ऊपर अप्लाई होता है, तो इस 1 0 को ना 90 डिग्री रोटेट कर देता है। अभी आपको 2D प्लेन तो आता है, ये क्या होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये क्या होती है आपकी वाई एक्सिस होती है ना। अब मुझे बताओ 1 0 जो है 90 डिग्री रोटेट करना है, यानी कि 1 0 कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री रोटेट कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो अभी आपको एक एक पॉइंट का पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट कर जाएगा। अब ये देखो जब ये इस तरीके से रोटेट कर ही रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जब ये इस तरीके से रोटेट कर गया तो हमें बताइए यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड, तो इसका चेंज नहीं हो रहा ना, जस्ट ओनली रोटेशन हो रही है। अगर ये मैग्नीट्यूड बोलता तो मैग्नीट्यूड पे पॉइंट आउट करते, लेकिन अब इसने क्या बोला, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज हुई तो ये क्या हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस तो 0 और ये -1, इसका मतलब है कि टी ऑफ 1 0 इज इक्वल टू 0 -1, ठीक है। अब बात आती है 0 1 के ऊपर, अब 0 1 तो मेरे यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे होते हैं जी। अब 0 1 यहाँ पे होता है तो 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं कहाँ पे, क्लॉकवाइज, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 1 0 के ऊपर, इसका मतलब है टी ऑफ 0 1 कन्वर्ट हो रहा है 1 0 के अंदर। तो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, टी ऑफ 1 0 बनाते हैं, टी ऑफ 0 1। अब स्टैंडर्ड बेसिस है, ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड, तो ये जो आपके आए हैं ये एज इट इज लिखे जाएंगे 0 -1, 1 और 0 क्यों, क्योंकि 0 -1 कैन बी रिटन एज 0 टाइम्स ऑफ 1 0 -1 टाइम्स ऑफ 0 1। सिमिलरली 1 0 कैन बी रिटन एज 1 टाइम्स ऑफ 1 0 प्लस में 0 टाइम्स ऑफ 0 1, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब देख लो जरा कौन सा ऑप्शन इनके अंदर करेक्ट है, तो 0 -1 और 1 0, आई थिंक बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, एम आई राइट और रॉन्ग। हाँ जी बिल्कुल बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, और ये बाकी के इनकरेक्ट हो जाएंगे, देख लो 0 -1 है, 1 और 0 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्या कहते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 64 आपको कहते हैं कि पी जेड और क्यू जेड दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको क्या बताना है, देन पी जेड क्यू जेड इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट क्या होता है मैम, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कहते हैं कि अगर पी जेड एनालिटिक है तो जो पी ऑफ जेड का जो कॉन्जुगेट होएगा ना वो एनालिटिक नहीं होगा, और अगर बाय चांस ये दे दिया कि वो एनालिटिक है तो एक ही पॉसिबिलिटी है क्या कि पी जेड आपका क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है, सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये है कि देखो एफ जेड इज इक्वल टू जेड, आपको पता है ना इट इज एन एनालिटिक फंक्शन, जानते हो ना, लेकिन अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेती हूँ दैट इज जेड कॉन्जुगेट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इट इज नॉट एनालिटिक। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है देन उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो एनालिटिक नहीं होगा।
बट अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि ये भी एनालिटिक है प्लस एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट भी एनालिटिक है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाना है, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तो बहुत ही आसान है, पी जेड तो एज इट इज है, क्यू जेड का कॉन्जुगेट दे रखा है तो ये एनालिटिक होगा कब, इफ एंड ओनली इफ अगर आपका क्यू जेड क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाने हैं। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि कहते हैं इंटीग्रेशन निकालना है आपको। किसका इंटीग्रेशन है? जेड प्लस वन इज इक्वल टू, आई थिंक यहाँ पे दिया नहीं हुआ लेकिन ये आएगा जेड प्लस वन इज इक्वल टू, ये मॉडुलस है दैट इज इक्वल टू टू, यहाँ पे दे नहीं रखा। ठीक है, देखो जी आपको निकालना है इंटीग्रेशन जेड प्लस वन का मॉड इज इक्वल टू टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई में फोर माइनस में जेड स्क्वायर इंटू में डी जेड। अब ये इंटीग्रेशन निकालना है आपको और इनका आंसर टिक आउट करना है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं हमें क्या निकालना है। आपको पता है जेड प्लस वन का मॉड इज इक्वल टू टू है, जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई में फोर माइनस में जेड स्क्वेयर इंटू में डी जेड। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला काम क्या होता है मैम? ये जो कंटूर गिवन होता है इसी को प्लॉटिंग करना होता है। ठीक है, इसको प्लॉट कर लो, जेड प्लस वन इज इक्वल टू टू दे रखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जेड जो आपका सेंटर है -1 पॉइंट तो यहाँ पे होते हैं मेरा, यहाँ पे होता है, बिल्कुल यहाँ पे होता है मैम। ये हो गया हमारा -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2। -1 है, 2 रेडियस है, यानी कि 2 इधर की तरफ जाएगा और 2 इधर की तरफ जाएगा, तो ये आपका जो है सर्कल बन जाएगा। इस तरीके से बना सकते हो कि नहीं, बोलो जल्दी से। हाँ जी बना सकते हो। तो हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, या तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है, या तो फिर कोचीज रेसिड्यू थ्योरम यूज कर दो, कोई भी थ्योरम यूज कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉन्सेप्ट। बोलो किसी को कोई डाउट हो? देखो कोचीज इंटीग्रल और कोची रेसिड्यू थ्योरम, अब है क्या, हमने देखा जब हमने इसको ओपन किया 4 माइनस जेड स्क्वेयर को तो मुझे मिला 2 माइनस जेड और 2 प्लस में जेड। ठीक है, इसका मतलब इसके जो पोल है वो जेड इज इक्वल टू टू, जेड इज इक्वल टू -2 के ऊपर। अभी मैंने देखा कि -2 तो इसके अंदर इंक्लूड है लेकिन 2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब 2 पॉइंट पे तो ये एनालिटिक हो जाएगा। प्रॉब्लम कौन करेगा? जेड इज इक्वल टू -2 करेगा। अब -2 करेगा तो बड़ी आसान सी बात है, जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई में माइनस को अगर मैं ऊपर ले लेती हूँ और ये बचेगा जेड -2 और जेड +2। अब ये तो प्रॉब्लम करने वाला है नहीं ना, इसको तो आई थिंक ये यही प्रॉब्लम करेगा, इसको अलग ले लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम करेगा तो रेजिड्यू निकाल देंगे, अभी रेजिड्यू कैसे करेंगे, जेड +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट जेड टेंस टू -2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 है तो ध्यान से देखना -4 हो गया, डिवाइड बाई में ये क्या आ जाएगा -2 -2 -4, इससे कैंसिल आउट ये कितना आ गया 1, लेकिन इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या होता है 2 पाई आयोटा, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द 2 पाई आयोटा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे हुआ, तो ये कोचीज रेसिड्यू थ्योरम थी जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड डी जेड है और ये आपका कोई कंटूर है, तो इस कंटूर के अंदर अगर आपके इसके पोल्स लाए करते हैं और वो पोल्स किसी पॉइंट पे होते हैं तो हम क्या करते हैं 2 पाई आयोटा इंटू में उन पोल्स के ऊपर हम क्या निकालते हैं, रेजिड्यू निकालते हैं ऑफ द फंक्शन एट दोज पोल्स, और फिर उन सबका समीशन करते हैं 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास ये इंटीग्रेशन आ जाता है ओवर दिस क्लोज्ड कंटूर। ये तो होती है आपकी कोचीज रेजिड्यू थ्योरम, एंड सेकंड वन होती है आपकी कोचीज इंटीग्रल थ्योरम, जो कि कुछ इस तरीके से होती है कि जेड माइनस जेड नॉट की पावर अगर n+1 डी जेड किसी गामा, गामा क्या है आपका, वही कंटूर है, देन इट विल बी इक्वल टू द 2 पाई आयोटा डिवाइड बाई में एन फैक्टोरियल इनटू में एफ ऑफ एन एट दैट पॉइंट जेड नॉट। ये एन क्या है, ये आपका डेरिवेटिव है एट दैट पर्टिकुलर पोल, ये क्या होता है आपका कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके बेस भी हाफ पे क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, कहते हैं द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन e^(e^1)z एट z इज इक्वल टू 0। वैसे आपको एक बात भी पता होनी चाहिए, वो क्या कहती है, वो कहती है कि द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन
जो रेजिड्यू है ना वो न केवल बाय यूजिंग फॉर्मूला से निकलता है, रेजिड्यू का मतलब होता है कॉफिशियंट ऑफ वन बाई में जेड। क्या मतलब होता है रेजिड्यू का? कॉफिशियंट ऑफ वन बाई जेड। तो काम कर लो, इसको एक्सपेंड कर दो, ए की माइनस ए की पावर वन बाई में जेड। क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें? देखो हमें क्या करना है, ए की माइनस ए की पावर वन बाई जेड, एंड यू नो वॉट, ए की पावर वन बाई जेड इज इक्वल टू वन प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे होता है। ठीक है, अब ए की माइनस बाहर लगा हुआ है, इसको वन प्लस जेड स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन ऐसे करके लिख सकते हैं। क्या मैं ए इनवर्स को अलग से लिख दूं और इसको इनवर्स करके जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन लिख सकती हूँ क्या? हाँ जी मैम, बिल्कुल लिख सकते हो। अभी बात आती है किसकी, देखो हमें तो क्या चाहिए है, हमें तो चाहिए है कोफिशियंट ऑफ वन बाई में जेड, कोफिशियंट ऑफ वन बाई में जेड। ठीक है, देखो अब कितना आ गया हमारा, ए की इनवर्स तो एज इट इज रहने दे, ई की माइनस, ये क्या दे रखा है, जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल दे रखा है, यानी कि इसकी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो जेड की फॉर्म में आएंगी, लेकिन केवल ये जो है ना यही हमें वन बाई जेड की वैल्यू प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इससे आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी ना वो आपकी जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल जेड क्यूब बाई थ्री वो सारी ना हायर पावर्स में आएंगी, लेकिन ये जो है ना ये हमारी हायर पावर्स में नहीं आएगी। तो अब एक काम कर लेते हैं, आई थिंक यहाँ पे क्या था, देखो एक बार, देखो हमारे पास ना वन बाई जेड था, तो ई की पावर वन बाई जेड वन प्लस वन बाई जेड होता है वन बाई में, सॉरी ये वन बाई टू फैक्टोरियल जेड स्क्वायर ऐसे होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पावर एक्स का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है जी, अब ये मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, डिवाइड में आएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो ई की माइनस वन बाई जेड है, ओपन कर दें, ई इनवर्स बाहर है, देख लो वन माइनस वन बाई जेड है प्लस में वन बाई टू फैक्टोरियल जेड स्क्वायर। अब हमें आगे का क्या करना है, हमें तो बस इसका कोफिशियंट चाहिए ना, तो देखो माइनस वन यहाँ से आएगा और ई इनवर्स यहाँ से है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, माइनस ई इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखो ए ऑप्शन में गिवन है, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी को। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कहते हैं 67 है रीड करो, ये कहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, एक कंटूर है, सर्कल दे रखा है, मोड जेड इज इक्वल टू 3/2, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर है, दैट इज ओरिएंटेड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको वैल्यू ऑफ ए बतानी है फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0। अभी अभी मैंने बताया क्या कंटूर इंटीग्रल या फिर हम देखते हैं रेजिड्यू, यानी कि कंटूर इंटीग्रल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आपका कोचीज रेजिड्यू थ्योरम है और सेकेंड तरीका आपका है कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इन दो फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल होते हैं इस तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। अब दे रखा है मोड जेड इज इक्वल टू 3/2। अब देखो एक काम करते हैं, काम कर लेते हैं क्या, देखो आपके पास एक सर्कल दे रखा है मोड जेड इज इक्वल टू 3/2, अब ये दे रखा है, ठीक है जी हमने मान लिया ये वाला, लेकिन ए डिवाइड बाई में जेड माइनस वन दे रखा है प्लस में जेड स्क्वायर डिवाइड बाई में जेड स्क्वायर माइनस में 3 जेड प्लस में 2 दे रखा है। देख लो जरा ऐसा ही था, जेड जेड प्लस वन डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड प्लस में 2, जेड प्लस में 1, जेड स्क्वायर नहीं है, इंटीग्रेशन करना है। डी जेड अलग अलग हो सकता है, इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से, अगर मैं इसको ओपन करूं तो मुझे मिलेगा जेड माइनस वन जेड माइनस में 2, देख लो करके क्या मिलेगा आपको यहाँ से, जेड माइनस वन जेड प्लस टू, जब आप करोगे जेड माइनस वन जेड माइनस टू, अब ये क्या है 3/2 है ना, तो 1 इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो इंक्लूड है लेकिन ये वाली वैल्यू आउटसाइड है, तो आ जाएगी जेड प्लस वन डिवाइड बाई में जेड माइनस में 2, एक फंक्शन हो जाएगा, और रेजिड्यू निकालने के लिए जेड माइनस वन से मल्टीप्लाई, और जेड माइनस वन ऑलरेडी है ही, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू क्या है 1 है, तो 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस में। अब देखो जेड इज इक्वल टू 1 अगेन यहाँ पे, और इसका भी ये क्या है पोल है, तो इसको भी कैसे करेंगे, 2 पाई आयोटा दोनों के बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, अब ए है ठीक है इनटू में आपका ये 2 पाई आयोटा है, इनटू में रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, जेड माइनस वन से मल्टीप्लाई, जेड माइनस वन डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, लिमिट कर दो जेड टेंस टू 1, इसे कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया ए,
टू पाई आयोटा को बाहर ले रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, और जीरो दे रखा है तो इसका मतलब है कि माइनस टू प्लस में ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, बाकी के सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना। अभी बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अब ये भी आपको खुद से ट्राई करना है, एक बार के लिए खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को भी, फिर मैं बताती हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एक फंक्शन है एफ, वो रियल वैल्यू हार्मोनिक फंक्शन है सी के ऊपर, दैट इज एफ सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, हार्मोनिक सिटी क्या कहती है, कोई भी फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कब होता है, जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि एफ एक्स एक्स प्लस में एफ वाई वाई इज इक्वल टू जीरो होता है, तो वही कह रखा है कि ये जो फंक्शन एफ है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं, हार्मोनिक हो गया तो ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई तो हार्मोनिक हो गया। अब एक दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स माइनस आयोटा एफ वाई, एच दे रखा है एफ एक्स प्लस में आयोटा एफ वाई, देन आपको बताना है क्या दोनों फंक्शन होलोमोर्फिक हैं या कोई भी फंक्शन होलोमोर्फिक नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, आपको दे रखा है जी, मैन चेंज कर लेते हैं। अब जी जो है आपके पास है करली एफ बाय करली एक्स माइनस में आयोटा करली एफ बाय में करली वाई, इसी तरीके का दे रखा है ना, एफ एक्स माइनस में आयोटा एफ वाई, और ये एफ एक्स प्लस में आयोटा एफ वाई, एच फंक्शन दे रखा है एफ एक्स प्लस में आयोटा एफ वाई। एक काम करो, मैं इनको एफ एक्स एफ वाई से डिनोट ना करके इसको यू से डिनोट कर रही हूँ और इसको वी से। तो जी मेरे पास दे रखा है यू माइनस आयोटा वी, एच मेरे पास दे रखा है यू प्लस में आयोटा वी। सिंस आपको ये पता है कि कोई भी फंक्शन है जिसके यू और वी रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो उसको होलोमोर्फिक, होलोमोर्फिक मतलब एनालिटिक, और एनालिटिक होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होती है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। तो सी आर इक्वेशन कहती है यू एक्स वी वाई के इक्वल होना चाहिए, वी वाई माइनस सॉरी वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई के इक्वल होना चाहिए, ये आपकी कार्टिजन फॉर्म होती है किसकी, सी आर इक्वेशन की। तो आपको क्या करना है, यही करना है कि जो यू एक्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू, वैसे तो वी वाई के इक्वल होता है लेकिन ये यू माइनस आयोटा वी है, तो यहाँ पे जो हम जो एक्चुअल वी लेते हैं ना वो यहाँ पे माइनस वी है, तो एक तरीके से यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू माइनस वी वाई हो जाएगा, लेकिन यू की वैल्यू एफ एक्स है जिसकी वजह से ये एफ एक्स एक्स हो जाएगा, और वी की वैल्यू एफ वाई है जिसकी वजह से ये माइनस एफ वाई वाई हो जाएगा, तो एफ एक्स एक्स प्लस में वाई वाई, और ये तो कंडीशन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब इसके अंदर ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब यही कंडीशन मैं इसके अंदर चेक करती हूँ यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई है कि नहीं है, इसके अंदर मैंने देखा एफ एक्स एक्स है और ये मैंने देखा एफ वाई वाई, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ऐसा मेरे पास तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, ना ही इन्होंने कुछ गिवन है, यहाँ से तो मुझे ये मिलता है लेकिन ऐसा मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है जिसकी वजह से ये आपका होलोमॉर्फिक नहीं होगा, जबकि जो जी दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, होलोमॉर्फिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन आप खुद से सेटिस्फाई करा लेना, दैट इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू माइनस में यू वाई, वो भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है जी, बोलो जल्दी से, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जी इज होलोमॉर्फिक बट एच नीड नॉट बी होलोमॉर्फिक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 69 क्वेश्चन नंबर। अब कह क्या रहे, कह रहे कि लेट जी बी ए सिंपल ग्रुप है 168 ऑर्डर का है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 7, 7 लिखा है यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे 7 ऑर्डर के इन अ ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 168। तो एक काम करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 168 ऑर्डर का ग्रुप दे रखा है, सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, देखो 284 फिर 242, ठीक है 242 पे गया, फिर 21 पे गया, फिर 7 पे गया, और फिर 7 से 7 पे गया, तो 168 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 7 के मस्ट डिवाइड 24, ऐसा ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, अकॉर्डिंग टू द सिलोज थर्ड थ्योरम। अब आप कहते हो ना कि मैम सिलोज की थ्योरम कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, तो उनका यूज यहाँ पे है, इस तरीके से हम करते हैं,
तो सिलोज का एक पैकेज होता है जिसके अंदर आपकी फर्स्ट थ्योरम होती है, सेकंड थ्योरम होती है, थर्ड थ्योरम होती है। तीनों थ्योरम को आपको समझना होता है कि फर्स्ट क्या कहती है, सेकंड क्या कहती है, थर्ड क्या कहती है। फिर उनकी अलग अलग एप्लीकेशंस यूज होती हैं ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने में या उनका पता लगाने में कि कौन सा ग्रुप किस तरीके का बिहेवियर रखेगा। ठीक है जी, तो 1 + 7 के मस्ट डिवाइड 24। मुझे एक बात बताओ, या तो के की वैल्यू 0 लेंगे, के की वैल्यू 0 लेंगे तो 1 डिवाइड करता है 24 को, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप 1 पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अगर के की वैल्यू 1 लेंगे तो ये आएगा 7 + 1, दैट इज 8। 8 डिवाइड करते हैं 24 को, यानी कि नंबर ऑफ सब ग्रुप 8 भी पॉसिबल हो सकते हैं। के इज इक्वल टू 2 जब हम लेते हैं तो 15 आएगा, लेकिन 15 डिवाइड नहीं करता और ना ही आगे कोई डिवाइड करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी मेरे पास आ गई, कौन कौन सी, या तो 1 या तो 8। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड करो, क्या कहते हैं, कहते हैं जी एक सिंपल ग्रुप है ऑर्डर 168 का। तो क्वेश्चन में पढ़ा आपने क्या दे रखा है, सिंपल ग्रुप। ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जिनको आप अवॉइड कर देते हो ड्यूरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए सिली मिस्टेक्स करना अवॉइड कीजिए। सिंपल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसके बस दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, एक तो ट्रिवियल हो या फिर वो खुद हो, इसके अलावा और कोई भी उसका नॉर्मल सब ग्रुप ग्रुप एग्जिस्ट ना करता हो, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं सिंपल ग्रुप, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ कि नंबर ऑफ 7 सब ग्रुप अगर 1 पॉसिबिलिटी है, तो एक बात बताओ, एक ऐसा सब ग्रुप जो कि क्या हो, यूनिक हो, तो यूनिक हो तो वो क्या होना है, यूनिक है तो सीधी सी बात है वो तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एवरी यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं आपका, एवरी यूनिक सब ग्रुप इज नॉर्मल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो नहीं सकता, क्योंकि 7 ऑर्डर का जो 7 SSG है वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो है 8 पॉसिबल आंसर है, दैट इज द ओनली पॉसिबल आंसर। तो क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाकी के क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, देखो क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक पॉलिनोमियल है ओड डिग्री विद रियल कोफिशिएंट मस्ट हैव। आपने पढ़ा होगा कि ओड डिग्री की पॉलिनोमियल जो है ना, उसके पास एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होता ही है। इवन डिग्री के पास हमेशा पेयर अप में मिल सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 रियल रूट उसके पास होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सपोज करो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स में जब कभी भी रूट एग्जिस्ट करता है तो रूट हमेशा पेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है। रूट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, किसके केस में, कॉम्प्लेक्स के केस में। तो जो रियल होगा, अब मुझे बताओ जो ओड डिग्री की पॉलिनोमियल है, सपोज 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो अगर 2 हमारे कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर गए तो 1 तो फिर भी रह गया ना, तो 1 किससे बिलोंग करेगा, रियल से बिलोंग करेगा। इसीलिए हमेशा ये रिजल्ट याद रखना कि ओड डिग्री पॉलिनोमियल के पास एटलीस्ट, बोल रहा है एटलीस्ट 1 रियल रूट, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही होगा। बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, फॉर एग्जाम्पल एक्स इंटू x-1, x-2, इसके तीनों के तीनों रूट क्या है, रियल है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं जो है आपके 71 क्वेश्चन की, 75 तक कंप्लीट कर लें, 15 क्वेश्चन, ज्यादा लंबी क्लास तो नहीं हो जाएगी आप लोगों के लिए, चलो करते हैं। कहते हैं ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट एक्स वाई विद द रिलेशन 6³ y³ इज इक्वल टू xy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन द ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, कह रहे हैं x³ इज इक्वल टू 1 है, y³ इज इक्वल टू 1 है, xy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिख रहा है आपको कि एक ऐसा, अब एक छोटी सी बात है क्या, कि अगर मैं अपने ग्रुप को आइडेंटिटी ले लूं तो वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा ना, डेफिनेटली यस कर जाएगा। लेकिन अगर मैं उसका ऑर्डर 4 लेती हूँ तो, अब 4 में तो मैं K4 भी ले सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी ABC, इनका ऑर्डर तो 2 2 होता है, लेकिन x³ तो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होता ना। x³ इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि या तो x आपका आइडेंटिटी होगा, या तो फिर इस x का जो ऑर्डर है वो आपका 3 होगा, या तो फिर इस x का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, तो एक पॉसिबिलिटी को तो मैंने हटा दिया, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस में आपका 1 नहीं दे रखा, तो या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8, या तो 12। अब मुझे पता चल गया 3 के बारे में, अब 3 के बारे में मुझे पता चलने पर 3 का मल्टीपल ना तो ये है ना ये है,
या तो ये पॉसिबिलिटी है या तो ये पॉसिबिलिटी है। अब बात आती है कि एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना है, 1 होना है, ठीक है। अब 6 है तो मैं पोस्ट ट्राई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका 6 ऑर्डर का एलिमेंट इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ये एमसीक्यू है ये वाला क्वेश्चन, हालांकि बेशक 12 ऑर्डर का भी सेटिस्फाई करता हो, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलेगी, पहले 6 को मिलेगी। पहली बात तो ये 12 वाले को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा देखते हैं। देखो आपको, आपके पास क्या गिवन है, देखो जरा, आपके पास गिवन है एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 और 2 देखते ही झट से मेरे दिमाग में आया, या तो Z6 ले लो, या तो S3 ले लो, या तो Z2 क्रॉस Z3 ले लो। मैंने ये देखा इसके अंदर 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इवन 2 ऑर्डर का भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यहाँ भी 2 ऑर्डर का करता है, यहाँ भी 2 ऑर्डर का करता है। लेकिन जब मैं Z12 के ऊपर गई या फिर मैं A4 के ऊपर गई तो वहां पर भी क्या पता ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन ध्यान से देखो, इन्होंने बोला है कि इट इज जनरेटेड बाई एक्स वाई, तो इन दोनों एग्जाम्पल की प्रॉपर्टी को कंपेयर करके 6 ऑर्डर की को भी और 12 ऑर्डर को भी हम बता सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपका ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ द जी इज 6, तो ये या तो S3 में सेटिस्फाई होगी या तो Z6 में सेटिस्फाई होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि कहता है कि लेट आर बी अ यूक्लिडियन डोमेन। अभी ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि आर क्या है, आपके पास एक यूक्लिडियन डोमेन है सच दैट आर आपके पास एक फील्ड नहीं है, देन द पॉलिनोमियल रिंग इज ऑलवेज। ऑप्शन ए कहता है यूक्लिडियन डोमेन होगा, सेकंड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बट नॉट अ यूक्लिडियन डोमेन, अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बट नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, नॉट अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ये क्वेश्चन है ना मोस्टली आपके नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके गेट में भी रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन आपके CU CET के जो PhD के एंट्रेंस होते हैं उनमें भी रिपीट होते हैं। तो ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाने की सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो अब हम कहाँ पर थे, अब इन्होंने बोला कि आर एक यूक्लिडियन डोमेन तो है लेकिन आर एक फील्ड नहीं है। अब सुनो मेरी बात, आपको क्या पता है आर एक यूक्लिडियन डोमेन है लेकिन आर एक फील्ड नहीं है, तो ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करो। मैंने लिया जेड, जेड तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, इंटीग्रल डोमेन भी है, यूक्लिडियन डोमेन तक भी पहुंच जाता है लेकिन फील्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब 2 तो बिलोंग करता है जेड से बट 1/2 डज नॉट बिलोंग टू जेड, और वो कौन से वाला इन्वर्स होता है, आपका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। अब वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वजह से ये आपका फील्ड नहीं होता लेकिन यूक्लिडियन डोमेन होता है। फिर अब इन्होंने बोला आर एक्स, तो हमने ले लिया जेड एक्स, ठीक है जी। अब ये तो आपको पता है कि ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय 2 और x। लेकिन हमें तो पता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बस वही होता है दैट इज जनरेटेड बाय ओनली 1 एलिमेंट ना, लेकिन ये 1 एलिमेंट से जनरेट नहीं होता, सो दैट इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब आपको एक सीरीज पता होनी चाहिए, FEPUID। अभी इसका क्या मतलब होता है, देखो ये होता है आपका फील्ड, ये होता है आपका यूक्लिडियन डोमेन, ये होता है आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, फिर आपका होता है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, फिर होता है इंटीग्रल डोमेन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंटीग्रल डोमेन होगी तो ही UFD की बात करेंगे, तो ही प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की बात करेंगे, तो ही यूक्लिडियन डोमेन की बात करेंगे, और यूक्लिडियन डोमेन होगी तभी हम फील्ड के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने कहा कि जेड मेरा यूक्लिडियन डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं है, फिर बात आई जेड एक्स की, तो जेड एक्स आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, अगर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है तो ना यूक्लिडियन डोमेन होगा ना ही फील्ड होगा, बचा क्या, UFD और ID। तो UFD की पॉसिबिलिटी है, इंटीग्रल डोमेन की भी पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अब यूक्लिडियन डोमेन है बिल्कुल ही गलत हो जाना है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है ये भी गलत है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बट नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, मेरे पास ऐसा एग्जांपल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो मैं इसको फॉरेन इंस्टेंस इसको क्लिक कर लेती हूँ। ये कहते हैं नॉट अ UFD, लेकिन मुझे पता है कि जो जेड एक्स है वो तो एक UFD होती है, तो
तो एक ही ऑप्शन के बिहाफ पे मैंने तीन ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि फोर्थ ऑप्शन आपका डेफिनेटली ट्रू होगा और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इसके लिए बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। बस अब तो थ्री क्वेश्चन और 75 तक करेंगे, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? कहते हैं अप टू द आइसोमोर्फिजम्स द नंबर ऑफ द अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 108। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो 108 हमें बताना है अप टू आइसोमोर्फिज्म। इस अप टू आइसोमोर्फिज्म का मतलब होता है नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप। अप टू आइसोमोर्फिक का मतलब होता है नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप। और ये कैसे निकालते हैं? 108 ऑर्डर का निकालना है हमें, तो देखो हमें किसका निकालना है, 108 ऑर्डर का। एक काम करते हैं 108 के भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 54 हुआ, फिर 27 हुआ और फिर 3 पे हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो इसका मतलब है 108 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर इन टू में 3 का क्यूब। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जब कभी भी आपको ऐसे बोला जाए कि अप टू आइसोमॉर्फिक, तो क्या करना होता है? इसका अप टू आइसोमॉर्फिक का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज यू आर नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। और वो कैसे निकालते हैं? जो फैक्टराइजेशन मैंने अभी किया है ना, इस फैक्टराइजेशन की जो पावर है उसका ले लो पार्टीशन और उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप, या सॉरी नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है? अब पार्टीशन कैसे करते हैं? देखो टू है तो टू को दो तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, थ्री है तो थ्री को तीन तरीके से कर सकते हैं। तो इसके तो थ्री एग्जिस्ट करेंगे, इसके टू करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, सिक्स हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? तो सिक्स विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। बताओ जल्दी से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि कहता है कि ए एक कनेक्टेड ओपन सबसेट है आर टू का, देन द नंबर ऑफ द कॉन्टिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए क्लोजर टू क्यू। अब कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कल वाली क्लास में, इससे पहले वाला जो आपको पार्ट वन मिलेगा उसके अंदर एक क्वेश्चन बताया था मैंने कल की ही क्लास में, कि एक फंक्शन है आपके पास, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ए से बी में जाता है, तो वो ना कनेक्टेड को तो कनेक्टेड के अंदर मैप करेगा और कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट के अंदर मैप करेगा। ये दो रिजल्ट आपको और कुछ याद हो चाहे ना हो, लेकिन अगर ये दो रिजल्ट अच्छे से याद है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसको भी उसको भी बना सकते थे और इसको भी कर सकते हो। कैसे करोगे ये देखो, ये कहते हैं कि सर्जेक्टिव मैपिंग, तो सर्जेक्टिव मैपिंग का तो मतलब होता है ऑन टू, ठीक है, और कहां से कहां तक, ए क्लोजर से लेकर के क्यू तक, ठीक है, यानी कि ऑन टू। ऑन टू बोल रहा है तो इसका मतलब जो रेंज ऑफ एफ है वो क्या है, क्यू। अब ध्यान से सुनना, क्यू ना तो ओपन होता है ना ही क्लोज होता है, जिसकी वजह से ना ये कॉम्पैक्ट होता है और ना ही ये कनेक्टेड होता है। ये पॉइंट आपको बड़े ही ध्यान रखने हैं अगर क्वेश्चन करना है तो ये बोल रहा है कि ए इज ए कनेक्टेड ओपन सबसेट ऑफ आर टू। कनेक्टेड बोल रहा है तो कोई भी ओपन वन टू होगा। अगर मैं एक मैपिंग डिफाइन करती हूँ वन टू से लेकर के ऑन टू क्यू के ऊपर, तो ये कनेक्टेड है तो ये भी तो कनेक्टेड होना चाहिए अगर वो कॉन्टिन्यूस मैपिंग है तो। बट इट इज नॉट कनेक्टेड ना, इसका मतलब है यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूस मैपिंग एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, और कोई नहीं एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है जीरो। तो बाकी की क्या हो जाएंगी, इनकरेक्ट हो जाएंगी। अब हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्लियर हुआ ना वो वाला क्वेश्चन सभी को, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एन इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ आर एन। अब मुझे बताओ, आपने यूजुअल टोपोलॉजी देखते ही इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि टोपोलॉजी या यूजुअल टोपोलॉजी को रीड करना प्रेफर नहीं समझते, और यानी कि वो फंक्शनल एनालिसिस को नहीं करते, टोपोलॉजी को छोड़ देते हैं, कई बार लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या फिर हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस या टॉपिक को छोड़ देते हैं। बट क्या होते हैं, कई बार इतने इजी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ना कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? अब यही क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देखो, आर एन बोल रहे ना,
अब इसको ना मैं आपको रियल से करके दिखाती हूँ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आपको लगेगा और समझ भी आ जाएगा, और आप बोलोगे कि यस मैम वी कैन ऑल्सो डू बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट इन अदर क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे? आर एन है ना, मैंने इस एन को ना वन मान लिया, तो ये आर एन कन्वर्ट हो गया ना आर के अंदर, यानी कि टोपोलॉजी मेरी रियल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल हो गई मैम। ठीक है, अब मुझे बताना, देखो यहीं पे करके दिखा देते हैं, इसको रिमूव करो यहां से। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। मैंने क्या लिया कि n इज इक्वल टू वन कंसिडर किया और r कर लिया, तो ये x वन x टू x n किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना है, x वन के अंदर, सच दैट x वन का मोड लेस देन वन। ठीक है, सेकेंड वाली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, x वन के अंदर, सच दैट एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स वन एक्स टू एक्स एन, एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है एक्स वन सच दैट एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये क्या, एक्स वन सच दैट एक्स वन लाइंग बिटवीन वन एंड टू, इनके इंटरवल्स बना लो। देखो पेन चेंज कर रही हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर तरीके से दिखेगा। ये देखो एक्स वन का मोड लेस देन वन, इसका मतलब इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस वन टू वन बनेगा। बिल्कुल, अभी इसको छोड़ो अभी के लिए, क्योंकि इसमें मैं अभी श्योर नहीं हूं, तो मैंने इसको लेफ्ट कर लिया। एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जीरो से इंफिनिटी बनेगा, ये है तो क्लोज इंटरवल वन टू टू बनेगा। ठीक है, अब मैंने क्या ट्राई कर लिया, अब मैंने बताया आपको कि ये तो ओपन है, तो ओपन तो कनेक्टेड कॉम्पैक्ट होता नहीं है, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज प्लस बाउंडेड होना चाहिए, यही होते हैं ना कॉम्पैक्ट की दो कंडीशन होल्ड होती है हेन-बोर थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्लोज प्लस में बाउंडेड। लेकिन ये भी कुछ एक के अंदर ही अप्लाई होती है, हर्जिंग है ये वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती, दिस इज नॉट अ जनरल डेफिनेशन, अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस दिस इज द डेफिनेशन अप्लाई, लेकिन आर के अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आर के अंदर वो वाले डेफिनेशन अप्लाई होती है। ठीक है, ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। अब बात आती है इसकी, अब इसके अंदर तो मेरे को नहीं पता, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जीरो है तो जीरो तो क्लोज भी होता है और बाउंडेड भी होता है, तो ये तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बट क्वेश्चन तो एमसीक्यू है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है। अब एक ऑप्शन करेक्ट होना है तो इसका मतलब है मुझे अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको इस ऑप्शन के बारे में दोबारा से फिर सोचना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, आपकी बार n इज इक्वल टू टू कंसिडर कर लिया, टू कंसिडर किया तो क्या हो जाएगा, आर टू, आर टू हो गया तो एक्स वन एक्स टू सच दैट एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। अब आ जाओ अपने नोट्स के ऊपर, अब यहाँ पे करके बताते हैं आपको। देखो कंडीशन आ गई आपकी एक्स वन प्लस में एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरीके की लाइन होगी। ठीक है, अब ये लाइन बेशक से आपकी क्लोज हो, लेकिन ये लाइन आपकी बाउंडेड नहीं होगी, तो आपको दिख रही है, और जब कोई लाइन बाउंडेड नहीं होती है तो वो सेट आपका कॉम्पैक्ट नहीं होता है, और कॉम्पैक्ट नहीं होगा इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि हमारा बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन ओनली ऑन करेक्ट हो जाएगा। बताओ जी इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुई, हुआ तो आज हमने पूरे के पूरे कर लिए हैं 15 क्वेश्चंस, 61 क्वेश्चन से लेकर के 75 क्वेश्चन तक हमने टोटल किए हैं 15 क्वेश्चन। आई होप आपको सभी अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अगर आपको ना समझ आए किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो देन प्लीज पोस्ट कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज बी रेगुलर इन योर क्लासेस, ऐसे ही मिलती रहेंगी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, और आपको नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, और तो और आपको ये पता चलेगा, कहते हो मैथ को कहाँ यूज करते हो, किस कॉन्सेप्ट से कौन सा कॉन्सेप्ट निकलता है, इनको इनको कनेक्शन कैसे करते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, वेक्टर कैलकुलस का क्या काम होता है, लीनियर एलजेब्रा को कैसे यूज करते हैं, एलजेब्रा कहाँ यूज किया जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के माइंड में होंगे, और आई होप मैं कोशिश करूंगी कि इनको आने वाली क्लासेस के अंदर आप सभी के डाउट को क्लियर कर सकूं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बाय बाय गाइज।